ये जाटम कर रहे थे, फिर इनकी दुकान बंद करा दी थी। फिर हमें गांव का गल्ला के यहाँ, जबकि गांव का गल्ला सारी जायदाद में हमारा हिस्सा था। कदे भावे तोड़े काट को तोड़ को तोड़ घेर लठ भी बाज लंदे फोड़ फड़ा भी हो लंदे कि वो काम तो कभी बने नहीं था। है तो जी रमना के चमार जी बस रहे हैं जी सिंगारा पट्टी। अभी समस्त गाँव आया हुआ है, इनका हम बहिष्कार करते हैं। चला विद्या बिना दे काम कौन चलता विक्की में तो बताओ माम न जाता ना यहाँ गवा के जो पर करा मेरा पापा वो बुलाने आई वो दादी लगती है मेरी बुलाने आई। एक दिन मेरा पापा उनके निहार लेके आया खुद की बैस का उनकी बैस का, उसके बाद उन्होंने उसकी भी बंदी कर दी। आप जाके मौके तो जिन दिन मेरा लड़का है कंडा में था जी गया जी 2 तारीख में यार में वो वाले से बच्चा लेकर बैस लेकर याद लग वो फोन भी ठंडा बच्चे मेरे खड़िया है पशु मेरे खड़िया दे 1 लाख रुपए झोटी 29,000 में दी है। कल बंद गली में से गुजरन लग रहे थे जी, जब वो ने बोला लड़े डोडा के करो जो आवा का नहीं तो 11,000 ला रखी है गांव ने बताऊंगा मेरी बेटक मातना कोई नहीं कुछ को अतना कि मैं किसी का टाइना 11,000 लेगा तो मैं दे मनीराम मेरा परिवार के मेरी माँ मेरा बाप और मेरा भाई उसी दिन से प्लान करे हुए वो डर के मारे इधर आई नहीं रही। तो काम पे लगा हुआ तो वो खुद कह रहा जाट भाई मैं लेकर लेकर आऊंगा अपने काम पे जिसमें दमों का बटा लेगा। रोजगार हमारी आर्थिक कमर तोड़ दी गई है पूरे मोहल्ले की। तो हम सिंगारा पट्टी में है छात्र गाँव में, ये कौन सा मोहल्ला बगड़ बोलते मंगू मांगू बगड़ है और यहाँ मांगू बगड़ से ही है महिला जिनका सामाजिक बहिष्कार किया गया उन परिवारों से हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितने परिवार जिनका बहिष्कार किया ये दो से कितने करोगे अपने 130 के करीब है जी मारे 130 यहीं रहते सारे पुतराना मोड़ पर हम जी आज पुतराना मोड़ पे जो रहते हैं उनके बारे में थोड़ा आप बता रहे थे क्या मसला है उनके जी किशन तो रिश्तेदारी में बच्चे भेज दिए किशन डांगर डूंगर बेच दिए मतलब सब न परेशानी हो रही है। सामाजिक बहिष्कार की सर सामान सुमन कौन खरीदने देंगे ना जी कोई दुकान पर सामान नहीं मिलता हम न किते न्यार न बार हम तो मतलब जिस दिन तो रहा 15-20 दिन का भीतर हाँ पहले हम तादी अंदर चाह भी नहीं अभी परेशानी में हाँ समार जाति की जो है उनकी दुकान को नहीं उनकी जी ये जाता हम कर रहे थे फिर इनकी दुकान बंद करा दी थी। फिर ये 5-7 बच्चे ने बोले काम नजब राशन नहीं मिला कुछ नहीं मिलेगा तो वहां तो दुकान कह सुन कर ठान गए उन्होंने बोले भी हमारा 12,000 रुपये लागेंगे और हम सामान नहीं लेने जान से 11,000 रुपये। फिर ये मंडी में चलिया और उड़े तो मतलब छोटी मोटी थोड़ी घनी ठाक सामान और अपनी आड़ा खरीदी करके जब ये बगड़ी ने सामान दे ला और खेत खात में ना जी कोई मजदूरी नहीं 2 दिन हो गुआंडिया का ईब जान लगी कुल 2 दिन हुए हैं अपने गुआंड के आसपास के गांव में। हाँ बंद करवा दिए थे जी दूध लाना बंद करवा दिया था। नाम जी आपका रोशनी है जी। रोशनी कौन सा गांव से जी आपका मायका छपरा जी छपरा गाँव से और यहाँ आपकी शादी हुई। हाँ जी मनीराम मेरा परिवार के मेरी माँ मेरा बाप और मेरा भाई उसी दिन से प्लान करे हुए वो डर के मारे इधर आई नहीं रहे। कहाँ चले गए वो संध है मेरा बड़ा भाई रहता है संध उसके पास चले गए। मैं बार बार फोन करता हूँ उनको यहाँ बुलाने के लिए लेकिन वो मना कर रहे हैं। तो आपका कौन सा मकान है? मेरा मकान तो जी अंदर है अंदर मकान हाँ। तो यहाँ जो बहिष्कार चल रहा है तो कोई गांव में कोई सामान सुमान कोई नहीं कोई कुछ नहीं सामान दे रहा जी बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहा। तो अपने जो बगड़ है अपनी जाति के कितनी की यहाँ दुकान नहीं है पर अपनी एक ही दुकान है बस अब करवाई है भी ये पहले जाटों के मोहल्ले में थी उसने वहाँ से ये दुकान उठा दी तो ये इधर ले आया। कम से कम अपनी 10 दुकान बंद है जो अपने मोहल्ले की थी ना जो दुकान अपने मोहल्ले के बंद थे जो जाटों के मोहल्ले में किए हुए थे किराए पे लेके वो सब दुकानें बंद है। के नाम जी प्रकाश है मेरा नाम प्रकाश तो बताओ बजिंदर मेरा लड़का है कांडा में था जी ओने से टाया गया जी 2 तारीख ने यार मैं वो वाले से बच्चा लेके बैठ लकड़ी याद लग वो फोन भी ठंडा मन नहीं पता कड़ा जा रहा बालक तो उसका नाना का है वो लड़का का नहीं मेरा जी कहाँ है कहाँ नहीं कांडा पर तो वो हटा दिया के बोले वो पंडित का कांडा था जी वो नहीं बोला कि गाँव का प्रेशर है तो 2-1 दिन चुप करे और 4 तारीख ने भी किया। कितनी तनख्वाह लिया करता पंडित कांडा पे? पंडित तो जी तीन कह था कल में गया था पंडित के पास बोला भाई अरे
आठ नौ हजार का करीब ले करता। तो पैसे रह भी रहे कि कांडा वाले ना जी वाले कोनी रह रहे। मैं पूछ कहा था, मैं कहा पंडित जी पैसे पूछे, बोला ना पैसे पूछे कोनी रह रहे, पैसे सारे जा रहे हैं और फोन उसका भी ठंडा होती भी बिलोड़े है। फिर आपने कुछ ही नहीं बैठा क्यों दिया? और गामला का प्रश्न हटाया गया जी, नुबला गामला का प्रश्न बोला सामाजिक बहिष्कार रखे गांव का ही क्यों ना कांडा वाला ना गांव का कोनी जो हाँ बाहर का कड़ा का है ऊंचा कहाँ उसका भी कांडा कहाँ पे है गांव में? अड़ गांव में है जी, इस दूर बिदड़ी बोल दूर है। ठीक है ऊंचा ना रहा है। गुरमीत नाम है सर मेरा। सर ये आठवें महीने की एक तारीख से शुरुआत की थी इन्होंने, इससे पहले तीन साल पहले भी शुरुआत थी, लेकिन अभी ये ताज़ी घटना बताता हूँ। आठवें महीने की एक तारीख को यहाँ पे हमारा चमारों का चबूतरा वहीं पे ड्रिंक करके कुछ लड़के गाड़ी क्लोज कर रहे थे, वहाँ पे ऐसा वैसे ही चलने के बाद थोड़ा मार पिटाई हो गई हमारे साथ भी उनके साथ भी। उस दिन से घटना चलने लगी, हमें ना FIR कटवा दी, एक साथ में सचिन था जो लड़का, उसके ऊपर प्रेशर देगा गाँव ने, जो SC Act की मामला था प्रेशर दे गए, उन्होंने समझौता करवाया। उस समझौते से मैं राजी नहीं था, वो मैंने समझौता नहीं किया। उसके बाद इन लोगों ने मेरे ऊपर एक सर्कल बना लिया, अगर इस लड़के को कैसे भी कैसे पीटना है। मैं गांव से बाहर जाना बंद कर दिया था मैंने, लगातार मैं 1.5-2 महीने घर ही रहा, बाहर नहीं गया। एक ये 11 तारीख को मैं गोगड़िया गाँव में टूर्नामेंट हो रहे थे, यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर दूर होगा, ज़्यादा होगा थोड़ा, वहाँ पे कबड्डी की टूर्नामेंट थी, वहाँ पे गया हुआ था मैं 11 तारीख को 9 महीने की। मैं वहाँ पे रात को रोड़ा किया था इस राजेश स्नो बिल्लू गए ने, राजेश है ना जो, इसके साथ अन्य 9 जने और थे। इन्होंने मेरे को जाति सूचक शब्द बोले, मेरे साथ हाथापाई की। मैं सुबह 4 बजे वहीं की वहीं से उचाणा थाना में चला गया, FIR कटवा दी मैंने इनके नाम से। दूसरी बार? हाँ जी दूसरी बार। ये FIR कटवाने के बाद मैं ये मेरे घर पे आए सुबह, ईश्वर सरपंच जो 302 का मौजूदा मर्डर चल रहा है, 302 का मर्डर करा हुआ इसका चाचा पेरोल पे आ रहा है, वो आया मेरे घर पे पंचायत लेके। पंचायत लेके आने के बाद उसने कहा भाई गांव का मामला है समझौता कर ले। मैं SC Act में मैं समझौता नहीं करूंगा, ठीक है नुबला करना पड़ेगा। मैंने इनको 2 दिन का प्रपोजल दिया, 1-2 दिन का मेरे को हाथ जोड़ के काम से टाइम मांगता हूँ, 2 दिन के लिए दो, पॉजिटिव या नेगेटिव जो रिपोर्ट होगी मैं दे दूंगा आपको। 2 दिन का टाइम मांगने के बाद वो दोनों भाई और एक साथ में उनके बदमाश था कोई अन्य था कोई भी मैं नहीं जानता उसको, मेरे घर पे आए, मेरे 5 सीटर गाड़ी गलौज करने लगे। मैंने उनको बुलाया जो 15 जो मतलब मौजूदा आदमी थे, 15 जो पंचायती थे उनको फ़ोन किया मैंने, मत आओ जी ऐसी ऐसी बात है आप आओ। सभी ये बोले 5 मिनट में आए, 10 मिनट में आए। 3 दिन लग मेरे घर पे कोई नहीं आया। तीसरे दिन आए, आते ही बोले भाई समझौता कर, वो नहीं। 11 तारीख की बात? हाँ जी 11 तारीख के दोपहर की बात है। हाँ जी तो उसके बाद वो मेरे घर पे आया, आते ही समझौता के लिए रखा उन्होंने प्रपोजल। वो बात नहीं कही, चल उसने गलती कर दी फिर से तेरे घर पे आके गाड़ी गलौज की है। उसके बाद समझौता नहीं हुआ, मैंने तब भी नहीं किया। लगातार इन्होंने पंचायत के मेरे ऊपर प्रेशर बनाए, गाड़ी गलौज की, मेरे को फ़ोन कर करके मेरे को घर पे आके धमकी देते रहे। मैंने इनकी एक नहीं सुनी, बगड़ ने भी पूरा प्रेशर दिया, लेकिन ये तो चाचे था हुआ मारना नहीं पड़े कुछ इनका मान गया मैं। इनको मैंने बोला चलो समझौता करता हूँ मैं, कोर्ट ही थ्रू समझौता करूँगा, अगर मैं समझौता करूंगा नहीं कोर्ट के थ्रू समझौता करूंगा, वो एफिडेविट लिख के देगा, अगर मेरे से कुछ गलती होगी मैंने तेरे को जाति सूचक शब्द बोला, एक एफिडेविट मैं लिख के दूंगा, मेरा मनमटाव था जो दिल से दूर हो गया। इन्होंने ये समझौता से मना कर दिया। फिर ये 26 तारीख को गांव में इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद इन्होंने ये कहा अगर जो गुरमीत यहाँ आके जो गुरमीत के साथ है वो तो यहीं रहो और जो गाँव के साथ है वो चलो। मेरा पूरा बगड़ 200 घर है मेरे कम से कम। ये क्या तारीख की बात है? ये 26 की है सर, 25 को कह के गए हैं और 26 को बहिष्कार किया है, 26 को मतलब पूरा गांव बटला हुआ था। तो 25-9 तो ये चले गए, मेरा पूरा समस्त बगड़ चला गया था। वहां पे जाने के बाद इन्होंने क्या प्लान बनाया, ये लड़का मान नहीं रहा है इसलिए इन सभी का बहिष्कार करो और इनके ऊपर दंड लगाओ अगर कोई सामान देता है इनको या इनसे साथ कोई बात करता है जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, 11,000 रुपये दंड लगाओ और इनका सामान वह बाहर निकलना आना जाना सब बंद करो, किसी साधन में नहीं बैठेंगे, बैंक में नहीं जाएंगे, ना ही कोई पेट्रोल पंप से इन्हें तेल देगा, ना ही कोई CSC सेंटर में जाएगा, ना ही कहीं से दूध लेके आ सकते, ना ही किराना के सामान से दुकान से सामान ले सकते। तो ये बंदी करी इन्होंने और तब ये मानेगा लड़का, इसके ऊपर इसका बगड़ प्रेशर देगा, तभी मैंने अभी लग मानी नहीं है। कल मेरी FIR दर्ज करी है, प्रशासन ने मेरी कोई सुनाई नहीं की है। कल किया FIR दर्ज मैंने 30 तारीख को, 29 को
28 को 29 को 30 को लगातार कम से कम 100-150 जने एसपी के लगातार जाते रहे हम, तब भी कोई सुनाई नहीं किया। कल एफआईआर दर्ज हुई लिए लगाओ 28 से लेकर 13 तक कल एफआईआर दर्ज हुए, अभी लगभग कोई रिस्पांस नहीं। कल जो एफआईआर दर्ज हुई किस उसमें हुई है? ये बहिष्कार वाली कल हुई। हाँ जी, समाधि बहिष्कार। हाँ जी, जब आपको वे चेतावनी दे कर गए थे कि भाई आपका सामाजिक बहिष्कार होगा, तो क्या उसके लिए मुनादी वगैरह करी गई थी, जैसे कि भाई गांव में कोई मुनादी वगैरह? मुनादी नहीं की थी। अच्छा, पूरा गांव बटला हुआ था। अच्छा, मुनादी नहीं की थी वहाँ पे, पूरा गांव बटला, उनमें बोला गया था आप सभी समस्त गांव आया हुआ है, इनका हम बहिष्कार करते हैं, इनको ना ही कुछ दिया जाएगा। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास, कॉल रिकॉर्डिंग में ले रहा हूं मैं, उस टाइम की भी रिकॉर्डिंग है, मैंने सभी एसपी डीएसपी सबको दी हुई है, लेकिन कोई मेरी सुनवाई अभी लग नहीं हुई है। मौका की अभी लग भी, मैंने प्रशासन की डिमांड रखी, यहाँ पे आते हैं गाली गलौज करके जाते हैं, 10-20 बाल के टोले बटले होके आते हैं। अच्छा, गाली करते। हाँ जी, तो रही बात ये, अभी लग प्रशासन ने सिर्फ 5 बंदे नियुक्त किए हुए, अभी 5 बंदों से काम थम जाएगा सर? ना ही कोई एसपी ना डीएसपी, कोई नहीं मेरा रिस्पॉन्स ले रहा मेरी बात का, और मैं बार बार जाके थक चुका हूँ, कॉल करता हूँ कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं। बहिष्कार केवल एक आपके परिवार का किया? नहीं नहीं, पूरे 200 का है जी मेरा, एक गोत के सर हम, सारे एक गोत के, एक दादा की औलाद है, पूरे 200 घर है, दो जगह है ये मोहल्ले, दोनों जगह के बहिष्कार कर दिया सर। दूसरी जगह कहाँ है मोहल्ला? ये बाहर से है, मोहल्ले का नाम मांगू बगड़ा है सर, वहाँ बस्ती है ना, वहाँ पे सर 10 लोग थे कम से कम, 10 लोग। हाँ जी, मैं एक ही को बाय फेस से बाय नेम से जानता हूँ, और बाकी अन्य जो 9 या 10 मैं उनको जानता नहीं हूँ। मतलब एफआईआर एक ही के खिलाफ कटवाई थी, और अन्य कही थे मैंने। हाँ जी, एक वो अंदर है, एक अंदर है, अन्य क्या नाम है? राजेश। और उसके फादर का? उसके फादर का बिल्लू है, बिल्लू। हाँ जी, दारू बेचता है, 2 नंबर की ठेका करा हुआ है, खुर्दा कर रहा है ये। और जो ईश्वर सरपंच है इसका अंकल, वो कॉल पे भी धमकी देता और मेरे घर पे आके भी, वो 302 का मर्डर कर रहा है, वो कहता कि मैं तेरे को मार दूंगा या फैसला कर ले, गांव में नहीं रहने दूंगा। तेरा घर कहाँ? मेरा घर मैन रोड पे ही है, जमा यही बस्ती से बाहर निकलते ही रोड पे है। सामाजिक बहिष्कार में एक चीज और बताओ कि जैसे मतलब कोई खेत में किसी गया हो, किसी को जुर्माना लगाया हो? ऐसा जुर्माना तो लगाया नहीं है सर, जाने ही नहीं देते, अगर कोई बुलाता है नहीं, मतलब कोई बुलाने भी को नहीं आया। जैसे बुलाने आया था, सुनो सर, मेरा पापा आया था, हम वहाँ जाट समुदाय के भैंस बांधते, 2 भैंस थी हमारी, मेरा पापा वो बुलाने आई, वो दादी लगती है मेरी, बुलाने आई, एक दिन मेरा पापा उनके नार लेके आया, खुद की भैंस का उनकी भैंस का, उसके बाद उन्होंने उसकी भी बंदी कर दी। आप जाके मौके पे जा सकते हो, हमारी 2 भैंस थी, दोनों भैंस अभी लग पता नहीं है कहाँ पे गई है, दोनों के दोनों, उन्हें ये नहीं पता कहाँ पे बेची है या कहाँ पे भेजी है। क्या वो दूफो है? महिला दूफो, दूफो दुपो महिला है, महिला बुलाने के लिए जाट जाति में ही। हाँ, जाट जाति में, मतलब उनका भी बहिष्कार कर दिया उसका, एक बुढ़ी अकेली, उसका लड़का नहीं है ना ही कोई ऊपर कोई, सिर्फ एक है अकेली, वो उसके साथ थोड़ा दिल का मन लगा हुआ था, वहीं पे हम आते जाते थे, उसका भी बहिष्कार कर दिया, अभी भी वो उसके घर पे नहीं है, किसी रिश्तेदारी में चली गई हुई। और वो आपकी भैंस? भैंस भी पता नहीं है सर कहाँ पे है। अच्छा, एक चीज और बता गुरमीत, रकबे जैसे आप लोग पहला खेत में दिहाड़ी वगैरह करे कर दे, या फिर मेहनत मजदूरी करे कर दे, या फिर किसी का क्या नाम है घर में काम करे कर दे, जैसे घर बनवाने में मजदूरी करनी है, क्या हचिड़ाई वगैरह का, तो क्या उसके पैसे अभी आपके मतलब कि उन लोगों ने दिए या मर गए, या फिर उनका कुछ अभी लोग इसका कोई रिस्पांस नहीं आया सर? जैसे आपने कुछ किसों का बकाया जिसका जो मजदूरी के पैसे लेने, ये 1.5 लाख का काम करा हुआ पड़ा इसका, काम करता हूँ इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ, मेरे सुशील कुमार मेरा नाम है जी, मेरे खुद के प्लम्बर के और इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का काम करता हूं मैं, लोगों की कोठियों में 1.5-2 लाख रुपए का काम है मेरा, अभी एक किसी मकान में 1 दिन का काम रह रहा है, किसी मकान में 2 दिन का, अगर मैं उनके पास कॉल करता हूं ना तो मेरे कॉल का भी नहीं जवाब देते सर। आप उनके घर गए हो 1-2 बार जो मतलब जिनका घर गया था, एक बंदे ने ये बोला भाई आप सामान उठा के ले जाओ, बाद में जैसे भी खुलेगी या जो भी होगी, उस पे फोन पे बात हुई थी, और एक लड़का फिर मैंने उस दिन मैं गांव में नहीं था, उस लड़के को बोला भाई आप जींद वहां से सामान उठा के लाओ, और जींद एक साइड है मेरे साथ जो लड़का काम करे करता उसकी बुआ का मकान है, वहां पे ले जाके उजार उसके साथ काम कर रहे हैं हम। यहाँ से जितने मेरी 10-15 साइडें चल रही थी सर, मेरी सब साइडें ठप हो गई है,
खाने पीने की सब व्यवस्था ठप होगी। दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं मेरे, दो गुड़िया एक लड़का है। दो बड़े बच्चे मैंने अपनी ससुराल में भेजे हैं ताकि स्कूल में इधर आने जाने में भी खतरा बना रहता है। स्कूल में सरकारी में आपके बच्चे थे, प्राइवेट में थे? मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में थे सर। तो वहाँ भी हमारे दिल के अंदर एक फील है सर, डर का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे भी झुंड में भी घूमते हैं लोग, क्या करें, मजबूर हैं, पीड़ित हैं, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। एसपी साहब से 4 बार मिल लिए, एसपी साहब ने बोला, 2 बार आश्वासन दिया, मैं खुद गांव में आऊँगा, निरीक्षण करूँगा, लेकिन एक बार भी करने नहीं आए। एसडीएम साहब आए तो एसडीएम साहब कह रहे हैं भाई यार जो घटना होगी होगी, आप एक समझौता कर लो, गांव में शांति बनी रहेगी। सर हम तो हर एक बार समझौता कर चुके हैं, 20 समझौते दे लिए जी जनाब हमें, प्रशासन को भी, गाँव राम को भी, और बार बार हमारे साथ एट्रोसिटी घटाते, कभी गुरमीत का नंबर है, कभी सुशील का नंबर है, कभी लखन का, कभी किसी का, हर व्यक्ति के साथ ये ऐसे ही दलिदर हालत करते हैं सर। 20 बार पिछले जो 8 महीने की 1 तारीख का मामला था, डीएसपी साहब यहाँ आते हैं, खुद बोल के जाते हैं भाई 10 आदमी आपकी साइड से, 10 आदमी उस साइड से, वहाँ डीएसपी ऑफिस में आना, और आपका एक कोई बीच का कॉम्प्रोमाइज का या जो भी आपने लड़ाई लड़ने का एक्शन लेना है ले लेना। हमारी तरफ से तो हमारे बुजुर्ग गए सिर्फ 10, और इन जट्टों की तरफ से हजारों की संख्या में उचाणा थाना के अंदर, पूरे उचाणा थाना का घेराव करके अंडर प्रेशर लेके ने एक लड़के ने पे तो दस्तक करवा लिए, और ये गुरमीत उस मामले में मौजूद था ये, लेकिन यहाँ उस मामले से बाहर गया हुआ था किसी काम से, उसमें इसके गुरमीत के दस्तक नहीं हुए हैं, फिर भी उन्होंने डीएसपी साहब ने उस मामले को एक कॉम्प्रोमाइज का मामला दिखाकर ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। ये डीएसपी साहब उचाना की बात है सर, कहाँ कहाँ मजबूर हैं हम। साहिल है जी मेरा नाम, मैं गली में से गुजरन लग रहे थे जी, जब वो ने बोला बोला डेडो आडा के करो हो, फिर जी मारा उसका गला बम्बे बोले जिस तार ने बोला बाँध दे दें तारा जी गाड़ देने लग गए, बोला डेडो आडा उठ कर चल दो, फिर जी मैम ने उसका मारे, फिर पाछे था जी हम तो जा लिए थे जुड़ता है, फिर मेरे भाई का मारा था जी पाछे थे, ये तो जी पीछे 5-6 महीने की बात है। क्या नाम है भाई आपका? साहिल जी। साहिल जी, साहिल वाल्मीकि जाति से? हाँ जी। तो फिर पूरे मोहल्ला में भी झगड़ा कर गए थे? हाँ जी, पूरा मोहल्ला में होता जी, फिर जी मेरा भाई का भी मारा था जी, एक मेरा चाचा था जी उड़ा धनवा का भी मारे पाछा था जी, वह थे जी करी वह डेढ़ कवे थे जी, ये जाति सूचक से निकलने नहीं देते सर, चोट लगी थी सर होया था जी, न्यूज भी है उसकी मेडिकल में से। क्या हमारे मस्तिष्क पे डेट लिखा हुआ है सर? गांड काट का चोट लिख दूंगा बैन खेलो डियो। म्यूजिक ये बिट्टू नाम का लड़का, मेरा नाम संजय सर, जो बिट्टू नाम का लड़का है ना ये चिनाई का काम करता है, ये जाटों के काम पे लगा हुआ है, तो वो खुद कह रहा जाट भाई मैं लेकर लेकर आऊंगा अपने काम पे, जिसमें दमों का बटा लेगा। अक्षरा बाल्मीकों का मोहल्ला है, उसको उसकी साइड चली हुई, उसकी लेबर चली हुई सर, रोजगार हमारी आर्थिक कमर तोड़ दी गई है पूरे मोहल्ले की, अभी से नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था, इस घटना से पहले काम मिल रहा था सर, अभी जिस दिन से बहिष्कार किया हुआ है उस दिन के बाद मनरेगा का काम चला हुआ, जितने भी यहाँ पे जॉब कार्ड हैं एक भी व्यक्ति को काम पे नहीं लगाया जा रहा सर, मनरेगा को मिस्टॉल मेट को मनरेगा का मिस्टॉल भी नहीं दिया गया सर, भट्ठे पे कई बंदों के पैसे। काम क्या अपना? दलवीर है जी। दलवीर? हाँ। काम क्या करूँ? काम तो जी मोची बनाया करूँ मैं मंडी में, फिर तो घर बैठे हूँ, जान तो कोई पंदे साधन भी नहीं है, हाँ उचाना काम करते हैं, फिर इब तो कर रहे हैं गाड़ियों में तो बैठने को धंधे इस करके कर रहे हैं, मकान की चीजें लहर की थी, मेरा मकान भी अधूरा पड़ा है, छत पर गया है लेंटर पे रुक गया, माल नहीं मिलता, कोई माल नहीं दे रहा, रेती धंधा नहीं, कोई सीमेंट धंधा नहीं, कोई रोड़ी धंधा, और नहीं कोई पड़ा जी, बच्चे मेरे कड़ियाँ हैं, पशु मेरे कड़ियाँ थे, 1 लाख रुपये झोटी 29,000 में दी है, कल भूखे मर जाती भाई कद मर जाए है, इतने तकड़े तकड़े पशु हमने काटने वाले तो दिए हैं, जिंदगी के हमारी हमारी कोई भी कौन सुन रहा है अब तक, पुलिस वाले आम हैं वो पूरे तो कहते हैं है, ओडा जाकर कहते हैं भाई कोई बंदी नहीं इनकी, तो भी समझौते है? की रेस में है सर इतनी घटना। एक बात और है कि मतलब न अपने गांव में जैसे और भी दलित जातियां हैं, समारा में भी दूसरे अपने मोहल्ले हैं, नानक भी होंगे, वाल्मीकि भी होंगे, उनका क्या मानना?
उनका के मानना हुआ तो ये अपने गल्ले है या मतलब नहीं हमारे गल्ले नहीं है वह तो गांव का प्रेशर गल्ला है उन्हें का गल्ला है हमारा गल्ला कोई नहीं है हमारा गल्ला नहीं है वह तो उन्हें के साथ हैं क्योंकि हमें तो तीन मोहल्ले उड़े गागट चूड़ा बोधा लुहार मंगू चमारी है गांव का गल्ले बसंदे हैं वह आए हुए हैं बाद में वह कहीं कहीं से इक्के कर रहे हैं घर तो है वह 40 गोत है 14 हमें गांव का गल्ला के हाँ जबकि गांव का गल्ला सारी जायदाद में हमारा हिस्सा था ये हमारा सारा सौदा हमारे मकान ने छिन्न न रहे हैं और हिस्सा तो कह देंगे हमने तो कदे पहला भी इस तरह की घटना घटी है जिस तरह का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया न हमारी सौदी हमको नहीं होया मजदूर तो लगे गण हमें 3 मन देंगे अरे लगे गण हमें 2 मन देंगे इन्हें वो फसल का लाया था मजदूर मांगे थे 3 मन ये बोले 2.5 मन देंगे पहले जी पहले अपने नाई बरादरी का बहिष्कार हुआ जी वो उन्होंने रेट बढ़ा दिया था जी 30 रुपए कटिंग कर दिया था जी नरेश जी हाँ जी उन्होंने 30 रुपए कटिंग कर दिया था जी और ये बोल रहे थे कि 10 रुपए कटिंग करो 10 रुपए कटिंग के हिसाब से कटिंग करनी है अगर 10 रुपए कटिंग के हिसाब से कोई कटिंग नहीं करेगा तो उसका सोशल बहिष्कार कर दिया जाएगा और सिंगारा पट्टी में जितनी नाई की दुकानें थी जितनी रमना पट्टी में दुकानें थी सभी बंद करवा दी गई थी नाई आएंगे अपने टोटल मेरे ख्याल से 60-70 घर हैं जी अच्छा और काम के करा बस यही कटिंग का या फिर कुछ और नहीं है और भी दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं कुछ साथी जॉब कितने परिवार में सरकारी जॉब भी है 10-10 परिवार में तो जब उस टाइम बहिष्कार करा तो उस टाइम फिर और जातियां जो थी अपने चमार हाँ जी उस टाइम वो भी साथ नहीं आए होंगे आपके बिल्कुल कोई साथ नहीं आया जिस तरह जो हमारे जो नाई की दुकानें थी जिस तरह चमारा के बच्चों की उन्होंने साथ दिया जी उनका जी उन्होंने भी अपना काम बंद कर दिए थे जी उन्होंने बोल दिया था कि भाई अगर जो नाई बिरादरी के जो लोग जिस रेट में कटिंग करेंगे उसी रेट में हम कटिंग करेंगे अन्यथा हम कटिंग किसी की कटिंग नहीं करेंगे 10 रुपए में हम किसी की कटिंग नहीं करेंगे काम का बहिष्कार किया था हाँ जी काम का बहिष्कार किया था रेटों को लेकर नरेश जी माँ की तो एक बात है इन्ना बेगा भी के मांग करेंगे तो नुए कर देंगे भाई लाले क्यों बे हैं भाई माँ ना देखे जमा बीतता तो क्यों करके काम चला भी दिहाड़ी बिना दे काम कौन चलता विक्की में तो बताओ माम ना जतन यहाँ करेंगे जुकर करा थोड़ी तो रास्ता दे सरकार दे जमा गांव तक कमाए करने का गांव तक काट देंगे भी और के बतावा भी है ताई जी एक बात और बताओ अपन को ये दिहाड़ी दिहुड़ी पे भी कौन लेके जान लग रही चुगाई में कटाई में किते भी नहीं कोई जाए कोई भी नहीं आंदा जो आवा का नहीं तो 11,000 ला रखे है गांव ने के नाम ताई आपका मेरा नाम जी मिंद्रा है 11,000 ला रखे कोई आ गया जे और जे इया बिगे जे मामे बिगे जे ये गरीब आदमी जे भूखे तो शायद जागे नहीं तो कपास लिया दिहाड़ी 11,000 रुपये कर देते हैं अरे एक बात है दिहाड़ी कर रखी वो भी जान पांदे थोड़ी घनी पहला करी हुई जो 11,000 करता जा पहला किसी की दिहाड़ी मांग दे हो ना दी हो ऐसा भी कोई गए कोनी रह रिया जे थोड़ो पड़ी है ना तो वहाँ देना ही वही बात है थोड़ा भीतर के भीतर बाहर के बाहर ना तो मांगना ना वाणना फिर अपने जो दूसरे बगड़ है अपने जाति के जमारे के वहाँ गल्ला लग रहे जाता है गल्ला वो तो जाना सारे गाँव है भी उनकी गिल्ली लग रही वहाँ उन गल्ला लग रहे हैं बड़ी जात का लग बड़ी जात का लग रहे हैं और गाँव है बाहर सारे जाओ बस यू बगड़ कौन जाऊंगा दोस्तों वो सोप दिखाना चाहते हैं जो पहले जाट जाति के मोहल्ले में थी और उसको वहाँ से उठवा दिया गया सामाजिक बहिष्कार के बाद इन्होंने फिर आनंद फानन में यहाँ अपने यहाँ रखी है तो एक बार बताओगे आपकी दुकान कहाँ पे थी हमारी दुकान जी जाट के मोहल्ले में थी तो फिर आप वहाँ से क्यों उठा ले उन्होंने बोल दिया कि यहाँ से सामान उठा लो खाली कर दो खाली करवा लीजिए तो उसके बाद आप यहाँ ले आए क्या नाम आपका कांता जी कांता है तो अभी यहाँ काम चल रहा है जी काम तो काम है ना किसी तरह सारे ठाल लिए तो काम करे तो चल लगा जी तो आप दुकान पे करोगे मजदूरी भी कराया कर दे कुछ मजदूरी मजदूरी भी कर लिया कर दे जी मजदूरी तो भी ठाली बैठे हैं
ये कपास चुगान में या अभी दान का जो काम चलेगा कौन ही लेके जाते? ना जी कोई नहीं लेके जाता जी, आ दो दिन तक करसिंध वाले गांव के लेके जावा जी, एक गड्डी भर के लेके गए ट्रैक्टर और सारे ठाली बैठे थे जी कितने कई दिनों।